हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 5 अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें जेएसएल रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा जो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब ये कौन से राज्य में है? तो ये है सिक्किम में, सिक्किम में कंचनजंगा है। अब ये भी देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, और जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, और जो नेपाल में है, मतलब नेपाल में इसको सागर माता भी कहते हैं। ये हो सबसे पहली सबसे ऊंची चोटी। अब दूसरी सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड की, वो है K2, गोड विन ऑस्टिन से कहते हैं, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी कंचनजंगा, और K2 गोड विन ऑस्टिन जो है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोनों को याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कौन सी ग्रंथि तापमान को नियंत्रित करती है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है? वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन से कनेक्ट रहती है, जो कि भूख प्यास और तापमान को नियंत्रित करती है। और हाइपोथैलेमस के अंडर में आती है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, मतलब कौन थे सबसे पहले गवर्नर? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के। और स्वतंत्र, यदि एग्जाम में पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, मतलब आरबीआई के स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन थे, वो थे सीडी देशमुख, जो कि आजादी के बाद बने। और अब वर्तमान में सीडी, वर्तमान का अब प्रेजेंट में देखा तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर पे, और इनसे पहले उर्जित पटेल थे इनसे पहले। और आरबीआई की स्थापना यंग इंटेल आयोग के द्वारा की गई, और मतलब इसके पहचान आरबीआई के, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि आरबीआई के प्रतीक जो साइन है इसका, तो चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ, मतलब जो बंगाल टाइगर, ये पूछ लेते कई बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई, ये कोलकाता में शुरू की गई थी अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास वंश की स्थापना किसने की? तो दास वंश मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश, एक ही कहते हैं सब, मतलब सब वर्ड की मीनिंग एक ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है। और वंश की है, मतलब इसकी स्थापना की थी 1206 से 1290 तक चलाता है वंश, ये गुलाम वंश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। और इतने मतलब अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा की स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है? तो नॉर्वे, नॉर्वे का पहला स्थान है 2020 में मानव विकास सूचकांक में। और यूएनडीपी जारी करता है यूएनडीपी, और मतलब यूएनडीपी का हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। और वर्ष 2020 में 189 देशों में से मानव विकास सूचकांक की सूची में भारत का 131वां स्थान रहा 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ, मतलब कि ये 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया पहली बार, और इसके 3 सदस्य थे, कौन कौन से? न्यायमूर्ति फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू और KM पड़िंकर, ये 3 सदस्य थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए मिनिमम एज कौन सी है, मतलब जो न्यूनतम एज है वो 18 साल। अब वर्तमान में जो है, मतलब 18 साल का व्यक्ति मतदान कर सकता है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय ऐसा नहीं था। मूल संविधान में 21 वर्ष का व्यक्ति वोट डालता था, फिर 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, जिसके बाद से 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है, उसको भी अधिकार दे दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पर्वत, सैंडल पिक जिसे कहते हैं, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार, जिसकी ऊंचाई है 2418 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हार्मोन का नाम बताओ जो सोने और जागने के चक्कर को बनाता है, मतलब सोने और जागने जो साइकिल साइकिल को कंट्रोल करता है, वो होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक स्वाभाविक रूप से आने वाला, मतलब रिलीज होने वाला हार्मोन है, जो झपकी को नियंत्रित करता है, ये मस्तिष्क मस्तिष्क का बनता है, मतलब सोने जागने को जो कंट्रोल करता है, वो नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबुल या काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में, जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल इसकी राजधानी। और जो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो है, विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब वर्ल्ड में इकलौता तैरता हुआ है, बस यही है। और लोकटल झील भी मणिपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूचक को किस वेद से लिया गया, यानी कि जिसमें पुरुष की चलती थी, तो ऋग्वेद से लिया गया। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद वह अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना या प्यार व्या और शाप सारे बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2020 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ई संपदा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2020 को। और 25 दिसंबर को एक एक दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में दादासाहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? 2020 का जो था, ऋतिक रोशन को सुपर 30 के लिए दिया गया, और दादासाहेब फाल्के अवार्ड 2019 का, मतलब 2019 का जिसे 2021 में दिया गया, रजनीकांत को दिया गया 2021 में, और जो 2019 का था, और दादासाहेब फाल्के अवार्ड 2018 का अमिताभ बच्चन को दिया गया। और ये अवार्ड जो है फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और मतलब 10 लाख रुपये दिए जाते हैं इसमें। और सबसे पहले जो दिया गया था ये दिया गया देविका रानी रोरुख को दिया गया था, दादासाहेब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी, स्विमिंग से रिलेटेड है बैक स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंडोली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो राजा पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में काफ़ी पर्व मनाया जाता है, जैसे कि फसल कटाई का त्यौहार भी मनाया जिसका नाम है न्यूखाई। न्यूखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और वर्तमान में जो CM बने हुए हैं उड़ीसा के, वो नवीन पटनायक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, मतलब कौन से राज्य में है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में, कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।